वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीदें हैं और क्या लगता है पाकिस्तान इस वक्त फॉर्म में है कि नहीं? नेचुरली बाबर आजम हमारे स्टार हैं तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन उनके साथ सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग ऑन द टॉप ऑफ आर गेम है, बट वी हैव द पोटेंशियल टू गो ओवर द लाइन। रहेगी हमारे जो सुपरस्टार्स हैं जिसमें हमारे बाबर आजम टॉप ऑफ द लाइन है, हमारी बॉलिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन अब हमारी वर्ल्ड वाइड जानी जाती है, मानी जाती है, पोटेंशियल हमारे पास है, सिर्फ एक थोड़ी सी एफर्ट और विद इन द गेम स्ट्रैटेजी के लिए हमने अपनी गेम प्ले करना है, तो नेचुरली वी कैन विन। इसमें ऐसी कोई शुबा नहीं है कि हम लोग जीत नहीं सकते, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हमें स्ट्रेटेजिकली और विद गुड प्लानिंग विद एवरी गेम ऑन द गेम, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले ही डिसाइड कर लें कि नहीं जी वी आर विनिंग, हमें गेम टू गेम जाना है, बॉल बाय बॉल जाना है, एंड वी हैव द पोटेंशियल फॉर इट। डेफिनेटली बड़ा आपने बारीकी से बात की कि स्ट्रैटेजी मैटर करती है, पोटेंशियल मौजूद है। आपको क्या लगता है कि नंबर टू पर कौन सी ऐसी टीम है जो टफ टाइम देने वाली है? देखिए जी, टफ टाइम तो इस वक्त तो मेरे हिसाब से कोई भी टीम है इस वक्त टफ, क्योंकि नया एक वेन्यू है और जब अब नए वेन्यू में हम खेलने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा उस हिसाब से तो पाकिस्तानी टीम मुझे बेस्ट लग रही है, क्योंकि बैलेंस स्क्वाड है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बैलेंस हैं, और एज अ पाकिस्तानी तो मैं यही कहूँगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते वर्ल्ड कप। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि वेन्यू डिफरेंट है, इट्स नॉट अ क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट, और क्रिकेट में ना एनवायरनमेंट के आपकी गेम प्लान के साथ आपकी एनवायरनमेंट बहुत काउंट करता है, क्योंकि हम एक न्यू मेकशिफ्ट ग्राउंड्स में जा रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट भी और उसका गेम प्लान भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस बहुत मैटर करेगा, तो उसमें आप किसी टीम को रूल आउट नहीं कर सकते। बट इफ़ आई वुड टू चूज एनी फोर टीम्स फॉर द सेमीफाइनल्स, उसमें नेचुरली आई वुड टेक पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड प्लस समवेयर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक मुश्किल टीम रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली, और उनकी जो रीसेंट फॉर्म है उसमें आप यू कैन नेवर रूल देम आउट फॉर आउट ऑफ एनी सिचुएशन। किसी खिलाड़ी की कमी भी महसूस हो रही है स्क्वाड में? वैसे अगर हम ऐसे बात करें ना, तो नेचुरली अगर आप देखने आ जाओ तो हमारे पास बहुत सी ऐसी प्लेयर्स हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वी कैन नॉट कीप लुकिंग बैक टूवर्ड्स द, आप कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम आस्किंग। आई वुड से नहीं, आई थिंक इट्स अ बैलेंस साइड, आई थिंक इट्स फाइन, मैं नहीं फील करता। यही करना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि जी नहीं जी इसको होना चाहिए था, आई थिंक जो है दैट इज फाइन इनफ, दैट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन, दैट्स बेस्ट। यस, शाहीन शाफरीदी अक्सर हम जब वो आते हैं ना बॉलिंग में तो एक तसल्ली होती है कि अब तो बेहतरीन होगा, तो शाहीन शाफरीदी जैसा ट्रस्ट कोई और प्लेयर बना पाएगा अभी? जी बिल्कुल, नसीम शाह हमारे पास है, नसीम शाह अभी देखे थ्रू आउट कंटिन्यू टीम में हैं और वो हमें बिल्कुल मायूस नहीं कर रहे। शाहीन शाह और नसीम शाह, आमिर बॉलिंग अटैक हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि बॉलिंग अटैक की वजह से हम डेफिनेटली वो तो ऑलरेडी जाने जाते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग लाइन को भी ज़रा बेहतरीन तरीके से हम देख रहे हैं कि ख्वाहिशमंद इसलिए हैं क्योंकि हमने देखा है कि चौके छक्के कोई एक दो प्लेयर्स ही लगा पाते हैं, लेकिन बॉलिंग में वी प्ले ऑलवेज गुड, और जब टॉस जीतते हैं तो जब बॉलिंग का फैसला करें तो हम ज़रा अच्छा खेल लेते हैं, शायद डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक्चुअली क्योंकि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को ही करें और हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो बॉलिंग है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, हम अपनी बैटिंग के ऊपर अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ बाबर के ऊपर डिपेंडेंट है कि बाबर ही करेगा तो करेगा, अदरवाइज वी आर नथिंग। बाबर ने एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी है कि उनके कंधों पर बड़ा बोझ है इस वर्ल्ड कप में भी, एक तो कैप्टेंसी का कि टीम को साथ लेके चलना है, तमाम क्रिकेटर्स के मिजाज को यकजा करके चलना है कि कॉन्फ्लिक्ट कोई ना हो, लॉबिंग कोई ना हो, इसके अलावा उन्होंने खुद भी परफॉर्म करना होता है क्योंकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हमेशा से बड़ी मैटर करती है और लोग बड़ी क्लोजली उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो बाबर, दिस इज़ अ टफ टाइम फॉर यू ऑल्सो, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। सर, टीम की फ़िज़िकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बड़ा काम किया गया है, लेकिन कुछ अहवाल ड्रेसिंग रूम का बताएंगे कि क्रिकेटर्स किस बात पर ऑफेंड होते हैं और कितना मुश्किल है कैप्टेंसी करना, तमाम क्रिकेटर्स को एक पेज पर रखना ड्यूरिंग द मैच? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर एक पेज पर रखने वाली बात है कैप्टन के लिए, तो बाबर ने इस टीम को डिवेल्प करने में बड़ा टाइम लगाया है और ये बेसिक बाबर की ही टीम है जो बाबर ने डेवलप की थी और तकरीबन 4-5-6 साल इसकी कप्तानी करता रहा।
तो उसके लिए मुश्किल नहीं है एक पेज पे लेके आना टीम को, बल्कि हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बाहर मीडिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बातें होती हैं, लेकिन हमें ये इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि भी हमारी ये जो टीम है बड़ी जेल और एक पेज पे रहे। हमने ये भी देखा सुना कि अब प्लेयर्स जब ऑफेंड हों टीम की लॉबिंग से या किसी भी वजह से तो वो पर्सनल गेम पर खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते, ऐसा होता है सर? जी ऐसा होता है, लेकिन अब ये इतना बड़ा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट जो इतने अरसे से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चला रही है और क्रिकेट टीम्स को भी चला रही है, और बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शहीन हो गया, हारिस हो गया, शदाब हो गया, ये सारे जेल होके खेलने वाले बंदे हैं, ये टीम के लिए ही खेलेंगे और ये पाकिस्तान के जीतने के लिए ही खेलेंगे। इसमें कोई लॉबिंग शॉपिंग की बात नहीं है, ये बात ऐसी बातें चलती रहती हैं। और आपको इस बात का पता है कि जब सारे लोग इकट्ठे हैं तो थोड़ी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, हो जाती हैं, तो कैप्टन कर लेते हैं इस बात को काउंटर कर लेते हैं, प्लेयर समझ जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा क्रिकेटर्स आर आई एम सॉरी टू से बट दे आर रियली रूड। नहीं देखें, कैप्टन की सबके साथ जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है प्लेयर्स के साथ, कैप्टन बहुत सी चीज़ों को अगर कोई ऐसी वैसी बात हो रही है तो उनको इग्नोर करके आगे लेके जाता है। जी बिल्कुल। तो इस दफ़ा क्या लग रहा है टीम की जो फॉर्मेशन है वो तो आपने कहा बेहतरीन है, नंबर सेकंड पे किस टीम से उम्मीदें हैं, पाकिस्तान के बाद कौन सी ऐसी टीम है जो इस वक्त आपको बिल्कुल तैयार नज़र आए? पाकिस्तान के बाद वैसे तो अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, यानी कि वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट टीम है, उसके बाद इंडिया की टीम। ये वैसे तो तमाम टीम्स को ही टफ कंपटीशन समझना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोई भी टीम परफॉर्म करती है तो वो एक बात बड़ी अहम एक क्रिकेटर ने यहाँ पर की, उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए हर दिन एक अलग दिन होता है और ऑन डे पता चलता है कि गेम क्या होने वाली है, पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता, अलबत्ता जो स्ट्रैटेजी की गलतियाँ हैं वो ओवरकम की जा सकती हैं। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है? देखें जी, पाकिस्तान उम्मीद तो हमेशा से अच्छे की ही होती है, एज अ क्रिकेटर अपने टीम के ही स्पोर्ट में होते हैं, और पाकिस्तान की लाइनअप में अगर मैं बॉलिंग में देखें तो शहीन है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, स्पिनर में इमाद वसीम और शदाब खान है, जो कि एक बेस्ट कम्बिनेशन एक टी20 टीम के लिए बनता है, और बैटिंग में हम ऑलवेज़ रिलाई कर रहे होते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पे, और उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और भी कोई बैट्समैन है इस दफ़ा जिस पर रिलाई किया जा सकता है? टैलेंट के हिसाब जो बाबर आजम साइम अयूब को बहुत हाईली रेट कर रहे हैं, ऑल दो अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरह से, लेकिन उनको उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो बिग इवेंट में कुछ करके देंगे पाकिस्तान के लिए। तमाम लोग साइम अयूब से थोड़ा थोड़ा खफा भी हैं, लेकिन साथ साथ उम्मीदें भी बांधी हुई हैं